हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे आईडर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट की। पेपर आउट को लेकर लगातार खबरें न्यूज़पेपर में आ रही हैं और इसको लेकर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की, नई भर्ती और यूपी टेट को लेकर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउट नॉट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे आईडेट जूनियर को लेकर। देख सकते हैं आज के तमाम न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई है। आरोपी प्रधानाचार्य और दो शिक्षक निलंबित हो गए हैं। तो खबर आपको पता ही है, प्रयागराज के केएन इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब ने अपनी बेटी को पास कराने के लिए पेपर आउट करवा दिया था। पेपर का फोटो अपने मोबाइल से खींच कर साल्वरों को भेजा गया था 9:37 पर, जबकि एग्जाम शुरू हुआ था 10:00। एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए प्रधानाचार्य और पेपर आउट कराने के मामले में डीआईओएस की रिपोर्ट पर कॉलेज प्रबंधक ने आरोपियों पर कार्रवाई की है। साथ ही साथ आप यहां देखेंगे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने भी रिपोर्ट मांगी है। पीएनपी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने इस मामले में डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा से डॉक्टर केएन कार्जुन इंटर कॉलेज और भारत स्काउट एवं गाइड इंटर कॉलेज केंद्र की रिपोर्ट मांगी है। पीएनपी ने पहले ही निर्देशित किया था कि परीक्षा केंद्र में कक्ष निरीक्षक, केंद्र व्यवस्थापक भी स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते। अगर कोई मोबाइल ले जाता है तो वो कीपैड वाला ही होगा जिसमें कैमरा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर सख्त हिदायत दी गई थी और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन इंस्ट्रक्शन अपनी जगह धरी की धरी रह गई और मोबाइल से फोटो खींचकर पेपर को वायरल कर दिया गया। अब यहाँ पर जांच ये हो रही है कि ये पेपर कहाँ कहाँ पहुँचा है। सिर्फ सॉल्वरों तक पहुँचा है, एक दो लोगों तक और पहुँचा है, या फिर बड़े लेवल तक पेपर आउट हुआ है? एसटीएफ ने डीआईओएस को भेज दी है मामले की रिपोर्ट। सालवर ने हल कर दिया था पेपर, ये भी खबर आ गई है, लेकिन पकड़ में अभी तक सालवर नहीं आया है। तीन अन्य की भी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। तो बेटी की नौकरी दिलाने के चक्कर में प्रिंसिपल साहब के खुद की नौकरी अब खतरे में आ गई है। सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती का पेपर आउट होने के मामले में सालवर ने अपना काम कर दिया था। उसने पेपर मिलते उसे हल भी कर दिया। इस बात का खुलासा एसटीएफ की जांच टीम में हुआ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पेपर की हल प्रति गिरफ्तार प्रधानाचार्य की बेटी तक पहुंची थी या नहीं, और पुलिस सालवर समेत चारों फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर ये है कि सालवरों ने पेपर हल कर दिया था, अब वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है ये अभी क्लियर नहीं है और इसी की जांच हो रही है। अगर पेपर सिर्फ प्रधानाचार्य की बेटी तक पहुंचा होगा या सीमित लोगों तक पहुंचा होगा तब तो इस भर्ती पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़े लेवल पर पेपर आउट हुआ है तो एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा। अगर ऐसा खुलासा होता है, ऐसी रिपोर्ट आती है जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि इसको लेकर पहले भी बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं। आईडेट जूनियर ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें पेपर लीक और आंसर की वायरल की खबरें आ रही हैं। इससे पहले 68,500 हो, 69,000 हो, एलटी ग्रेड हो, या अभी हाल ही में हुई भर्ती टीजीटी पीजीटी हो, तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और आईडेट जूनियर में तो ये छुटपुट घटना ही कही जाएगी अगर हम तुलना करें दूसरी भर्तियों से, क्योंकि वहाँ पर इससे भी ज़्यादा अनियमितताएँ देखने को मिली थी। बाकी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं होने वाली है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्ज़ाम निरस्त होगा और दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आप अगली भर्ती की तैयारी में लग जाइए और जो एग्ज़ाम हो चुका है यही फाइनल है। जाँच होती रहेगी, रिपोर्ट आती रहेगी और रिजल्ट आ जाएगा और इसमें फिर फाइनली होगा जाएगा कुछ भी नहीं। इसी वजह से ये जो मामले हो रहे हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं और आरोपियों के सालवरों के मनोबल भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। लगातार सेंटर से पेपर लीक हो रही है, यह एक नई प्रथा आ गई है। अब आयोग से या फिर एग्ज़ाम के बाद जो गोले भरे जाते थे ये सारी चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। सेंटर से पेपर लीक हो रहा है, सेंटर पर एग्जामिनेशन सेंटर पर अभ्यर्थी बदल जा रहे हैं। तो अब आयोग को, सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेंटर पर कोई गड़बड़ी ना हो सके। अगर यहाँ से नकल रोक दी गई
तो समझ लीजिए कि परीक्षा काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाएगा। बात करें यूपी टेट 2021 की, डीएलएड अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को कोर्ट ने यूपी टेट 2021 में शामिल कर दिया है, लेकिन अभी तक यूपी टेट के फॉर्म में एनआईओएस डीएलएड के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में इनका भी एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि ये अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकें, और इसको लेकर ये अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। एनसीटी ने इन्हें अलाउ कर दिया है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो फिर इन्हें क्यों फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर सोमवार को एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन करने का मौका दिया जाए, सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2019 में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन लिए जाने और स्वीकृत होने के बाद भी इन्हें परीक्षा में शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार से अभी तक कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती व शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग की है। बात करें एलटी ग्रेड की, तो कला के चयनितों की नियुक्ति फिर से फंस गई है। यूपीपीएससी की ओर से 2 माह पहले की जा चुकी है नियुक्तियों की संतुति। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को करनी है काउंसलिंग और अभ्यर्थियों ने फिर से ज्ञापन सौंपा है। आप यहां देख सकते हैं प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान और उनके साथी। तो एलटी ग्रेड 2018 की जो भर्ती थी, इसमें कला के चयनितों की नियुक्ति फंस गई है, और यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एलटी ग्रेड की नई भर्ती भी लटकी हुई है। जब तक 2018 वाली भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती, नई भर्ती नहीं निकाली जाएगी। पिछली भर्ती 10,768 पदों पर आई हुई थी। 29 जुलाई 2018 को परीक्षा का आयोजन कराया गया था। इसमें कला के 470 पद शामिल थे। कला विषय के अभ्यर्थियों के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA के साथ BEd की डिग्री निर्धारित की गई थी, लेकिन परीक्षा में बहुत ऐसे अभ्यर्थी शामिल हो गए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ BFA किया था और उनके पास BEd डिग्री नहीं थी। ऐसे में 90 अभ्यर्थियों का चयन हो गया। आयोग ने अभी 90 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया तो मामले का पता चला, जिस पर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को फाइलें नहीं भेजी। अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने एनसीटीई से इस बारे में दिशा निर्देश भी मांगे हैं। एनसीटीई द्वारा बताया गया कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय समेत उत्तराखंड में भी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए केवल बीएफए की ही डिग्री मांगी जाती है, क्योंकि बीएफए डिग्री धारक को भी कला विषय पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित माना जाता है। एनसीटीई की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद 19 अगस्त 2021 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नियुक्ति की संदूरी भेज दी गई कि इन्हें भी नियुक्ति दिया जाए। अभ्यर्थी और विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है, और काउंसलिंग शुरू कराए जाने के लिए हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। इसी वजह से फाइलें अटकी हुई हैं। अब उम्मीद है कि जल्द ही एलटी ग्रेड की पिछली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर नई भर्ती की भी राह खुल जाएगा। बात करते हैं रोजगार मुद्दे की और रोजगार आंदोलन की। देख सकते हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और उनके साथी लगातार युवा मंच रोजगार आंदोलन कर रहा है प्रयागराज में। रोजगार के मुद्दे पर छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला 20 अक्टूबर को। जैसा कि आप देख सकते हैं सलोरी क्षेत्र में मोमबत्ती जुलूस निकालते हुए युवा मंच के कार्यकर्ता। मांग ये है कि उत्तर प्रदेश के जो भी रिक्त पद हैं, जो लगभग 5 लाख हैं अलग अलग विभागों में, इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और युवाओं को, बेरोजगारों को एक रोजगार मिल सके। और बात करेंगे आज की लास्ट अपडेट की, 7800 पदों पर होगी भर्ती। 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 27 अक्टूबर तक लिए जा रहे हैं आवेदन। तो देख सकते हैं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। अच्छी खबर आ गई है, बैंकों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए क्लर्क ग्रेड के पदों के लिए भर्ती निकाल दी गई है, और 7800 से अधिक पदों के लिए 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूके बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में भर्ती होनी है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।